हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर से आपको ये पिक्सल देखने को मिल रहा है यहाँ पे जेल वाला SMD। आप देख सकते हैं जेल वायर में, ठीक है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख सकते हैं इसको। इसका पिक्सल जो है वो मैं इसको क्लोज लुक आपको दिखा दूँ थोड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पिक्सल है, ठीक है। इसका यहाँ पर लाइट होता है और ये इसका वायर है, ट्रांसपेरेंट वायर है, सेम वैसा ही है जो पिक्सल में होता है। इसमें भी 3 वायर है, ठीक है। तो आज इसको दिखाना नहीं है, मेरा मेन मकसद है आज कौन कौन सा कंट्रोलर इस पर सपोर्ट करता है वो दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है, बार बार सवाल आ रहा है इसके ऊपर कि कौन सा IC सपोर्ट करता है, कौन सा कंट्रोलर सपोर्ट करे ना करे। तो T1000, 4000, 8000 ये सब कुछ सपोर्ट करता है, उसके अलावा पिक्सल मास्टर सपोर्ट कर लेता है, उसके अलावा ये IC में कौन कौन सा करता है वो मैं आपको आज दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। ये सेल करना सबसे पहले मैं ही शुरू किया हूँ और ये इसका वीडियो भी सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही लेकर आया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसका कंट्रोलर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये IC आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल 50 LED के लिए, 100 LED के लिए जो ये आता है IC आता है, कंट्रोलर IC, ठीक है। सर्किट ये वो है, ये 10x30 का है, आप देख सकते हैं सेम IC में है, 10x30 का। ये सेम IC में 6x18 का है, देख सकते हैं आप। ये सब कुछ मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ, सिर्फ पैसे दिखाने वाला नहीं हूँ, लाइव पूरा चेक करके। ये क्रैकर है, आप देख सकते हैं, आपको ये क्रैकर है, ये कॉम्बो है, पिक्सल LED कॉम्बो 100 LED वाला, ये भी मैं चेक करा दूंगा। ये इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं इसको चेक करा दूंगा आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये वाईफाई कंट्रोलर है हमारे पास, ये वाईफाई कंट्रोलर है, ठीक है। इसका साइज़ यहाँ देख सकते हैं, 16x96 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही सा, ये सब कुछ को मैं चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने ये पिक्सल यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम सारा कंट्रोलर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इस पिक्सल को हम साइड कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा साइड में रख लेते हैं और ये सारा सर्किट को साइड करते हैं। 1x1 मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से पावर सप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है, बस यहाँ से हम इसको पावर में कनेक्ट करने वाले हैं। ये हो गया हमारा पावर कनेक्शन, ओके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव डाला हुआ है, यहाँ पर हम सिर्फ डाटा सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आपको 6x18 देख सकते हैं, यहाँ पे 6x18 है, ये दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव देख के डालें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पिक्सल, बहुत ज़्यादा इसका ब्राइटनेस है। कलर देखिए, ब्राइटनेस कम करके इसका कलर रिकॉर्ड करना पड़ता है, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है। इसका ब्राइटनेस जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 6x18 अच्छा सपोर्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, कोई ब्लिंकिंग या कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% सपोर्ट है, ठीक है। ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, फिर इसका दूसरा कंट्रोलर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कंट्रोलर हो गया, उसी IC में ये 10x30 का है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये एक यहाँ से डालते हैं हम, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। मोबाइल से ब्राइटनेस कम करने के बाद ही इसका ब्राइटनेस रिकॉर्ड हो पाता है, क्योंकि अगर ब्राइटनेस मोबाइल का कम नहीं करते हैं कैमरा का, तो ये जो हमारा कलर इफेक्ट है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है इसका। इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो है ना, एडवांटेज, वो ये है कि इसका जो लाइट है, इस लाइट और इस लाइट के बीच का, ठीक है, ये लाइट तो यहाँ पर जलता है, लेकिन इसका जो वायर है ना, इस वायर पर भी इसका इफेक्ट आता है। आप देख सकते हैं इसका, इस वायर पे भी इसका इफेक्ट आता है, इसके वजह से ये लाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो ये सर्किट भी आप देख सकते हैं, हमने कनेक्ट करके जला के आपको दिखा दिया, अब हम इसको भी हटा देते हैं। ये दो सर्किट हो चुका है, अब हम तीसरा सर्किट आपको ये वाला दिखाते हैं यहाँ पर। ये भी जला के यहाँ पर कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये भी सपोर्ट किया, ये भी जल रहा है, लेकिन इसका स्लो है थोड़ा, प्रोग्रामिंग जो है स्लो है इसमें, इससे कोई फॉल्ट नहीं है, वो प्रोग्रामिंग से ही फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये भी कंट्रोलर सपोर्ट कर चुका है, अब हम इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। ये भी हम हटा देते हैं 1x1,
थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये पिक्सल कॉम्बो कंट्रोलर आप देख सकते हैं, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं कैमरा का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉम्बो कंट्रोलर है 100 LED का। अब हम इसको भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको भी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए, इसका भी इफेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये पावर डाले नहीं फिर भी जल रहा है तो कोई और प्रॉब्लम हो, मतलब कहीं और से तो नहीं जला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पावर यहाँ पे आता है ना तो इसका जो कंट्रोलर है ना छोटा सा, उस कंट्रोलर पे ऑलरेडी यहाँ से पावर चला जाता है ये 3 वायर से, तो इसके वजह से ये जल जाता है। इससे पावर देने का मतलब होता है इसका ड्राइवर ऑन करना, ठीक है। इसका ड्राइवर ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप यहाँ से पावर देंगे अगर आपका SMPS लगा है तो आपको इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्बो में यही होता है सिस्टम। तो ये आप देख लिए, ये जल गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रुक के भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कर रहे हैं, आप रुक के भी देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, पूरा सारा इफेक्ट चलता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो जिस भाई का को भी प्रॉब्लम, मतलब डाउट है इस पिक्सल को लेके कि IC सपोर्ट करेगा या नहीं, ये WS 2812B है तो 2811 वाला IC या कंट्रोलर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह का किसी को डाउट है, वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई डाउट रखने का ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देखें और पूरा क्लियर कर लें, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पे IC कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। अब हम इसको हटाते हैं और हमारे पास अभी भी 2 बाकी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, एक वाईफाई कंट्रोलर और एक ये हमारा क्रैकर। तो यहाँ पे हम पहले यूज़ करते हैं, सॉरी वाईफाई को ही यूज़ कर लेते हैं पहले। ये हमारा वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई कंट्रोलर, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए क्योंकि ये टाइम लेता है, थोड़ा वेट करने के बाद ही ये जलेगा। यहाँ पे कुछ जल चुका है थोड़ा सा, अभी ये रीडिंग कर रहा है, इसको रीड करने का टाइम लगता है इस कंट्रोलर को, ये वाईफाई वाले को, ठीक है। अब ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये जलते हुए आपको दिख सकता है। मैं इसका कैमरा का ब्राइटनेस कम करता हूँ ताकि आपको कलर इफेक्ट दिख पाए। ये आप देख सकते हैं अभी इसको, ये वाईफाई कंट्रोलर से चल रहा है, ये आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये वाईफाई कंट्रोलर से अभी चल रहा है। आप देख लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कंट्रोलर इस पर सपोर्ट करता है। कोई भी कंट्रोलर आपको, जो कंट्रोलर सपोर्ट, जो कंट्रोलर आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली मेरे पास जो 2-4 कंट्रोलर अभी पड़ा हुआ था मैं उसी को यूज़ किया हूँ। कंट्रोलर तो मेरे पास और बहुत सारे हैं लेकिन अभी जस्ट अभी नाउ मेरे पास जो था वो मैं यूज़ किया हूँ, क्योंकि स्टॉक जो में है वो मेरा कहीं और पे रखा हुआ है और अभी मैं कहीं और हूँ क्योंकि आजकल मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ दुकान पर, मेरा साइड वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से दुकान में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आज बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे पास था उसी में। तो ये भी हो गया, इसको हटाते हैं अभी, ये लास्ट वाला चेक करना है। ये इफेक्ट दे रहा है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वाईफाई में, ठीक है। अभी लास्ट वन जो बाकी है हमारे पास वो क्रैकर है, तो वो भी हम चेक कर ही लेते हैं यहाँ पे, ये भी हटा लेते हैं। ये हमारा पिक्सल कहीं से कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से पूरा पिक्सल क्लियर है। ये यहाँ से सिर्फ पावर कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 एम्पीयर का हमारा एडाप्टर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला, अभी हम इसको क्रैकर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये क्रैकर कनेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसमें भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, आप देख सकते हैं। लाइट ऑफ कर देते हैं, अभी आप देखिए यहाँ पे ये क्रैकर है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितने लोगों को भी डाउट था मुझे उन सबको क्लियर करना था कि ये पिक्सल कुछ अलग चीज़ नहीं है, कुछ नया बन के नहीं आया हुआ है, ये वही पिक्सल का बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ अलग सा डिज़ाइन है, ठीक है। बस ये SMD में है और जेल, इसके ऊपर जेल ये लगा हुआ है पूरा, ठीक है, ये फुल वाटरप्रूफ है, आप इसको पानी में डुबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी में डुबा सकते हैं, सिर्फ ये कनेक्शन आपको आउटसाइड चाहिए, अगर आप चाहें तो इसको पानी में डाल सकते हैं।
अगर सैंपल चाहिए तो मैं आपको करके भी दिखा ही देता हूँ, लेकिन मेरे पास पानी रखने का कोई वैसा सामान है नहीं, नहीं तो मैं इसके इसको पानी के अंदर डाल सकता हूँ। ये आप पानी के अंदर डाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% आप इसको पानी के अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पानी के अंदर भी जलाना है तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये कनेक्शन बाहर रखना है, या फिर आप इस कनेक्शन को जब भी कनेक्ट करें तो इसको वाटरप्रूफ टेपिंग करेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट, जितना भी कंट्रोलर मैंने आपको दिखाया आईसी कंट्रोलर वो सब चल गया है। तो अगर आप आईसी का मॉडल आईसी का नंबर वगैरह जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं तो ये 8 मेगा होता है, और इसके अंदर जो लगा हुआ है वो नोवाटॉन है, ठीक है, नोवाटॉन का लगा हुआ है, इसके अंदर भी नोवाटॉन है वाईफाई में। तो आई होप कि मेरा यह आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी भाई आए हैं नए मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और बने रहें मेरे चैनल पे ऐसे ही। और जो भी भाई इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये 20 पीस का एक पैकेट होता है और फुल पैकेट ही आपको बाय करना पड़ेगा। और आपको बाय करने के लिए पेमेंट फुल करना होगा, एडवांस पेमेंट है यहाँ पे, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी का कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। मैंने स्टार्ट किया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद किया हुआ है, तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, ठीक है, आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। रही बात आपके पैसे की, तो आपके पैसा पूरा सेफ रहेगा, पैसा का टेंशन ना लें, परेशान ना हो, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपको कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बाय करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है पिक्सल हमारा, थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ कैमरा का, और आपको मैं आपको ये पिक्सल दिखाता हूँ, ये आप पिक्सल देख सकते हैं, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो गया, लाइट ऑन करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पिक्सल, ठीक है। देखने में भी ये ट्रांसपेरेंट है, तो क्या है ना, इसको ऐसे ओपन करके जब भी आप कहीं पर लगाते हैं, इसका डिस्टेंस भी बहुत लोग पूछते हैं, आप देख सकते हैं 4.25 से 4.5 के बीच का है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 4.25 से 4.5 के बीच है। और जब भी आप इसको कहीं पे घर पे वगैरह या कहीं पे भी लगाते हैं, तो इसका जो ट्रांसपेरेंट लुक है ना, इसके वजह से आपका जो घर है वो नॉर्मली भद्दा नहीं लगता है दिन को भी। बड़ा वाला पिक्सल क्या है ना, वो दिन में क्लियरली पता चलता है, लेकिन ये क्लियरली वैसा दिखेगा नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है। तो जो भी भाई परचेस करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मेरे व्हाट्सअप पर आएँ, और डायरेक्टली आपको कुरियर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहें मेरे चैनल पे इसी तरह से, और जुड़े रहें मेरे साथ। और कोई अगर क्वेश्चन आपका फिर भी बचा हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, मैं आपका जवाब दे दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे फिर आप कमेंट सेक्शन में आएँ, ठीक है। कमेंट में कुछ कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप में 100% हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ही जाएं।